बस्ती के बड़ाकर फाड़ी में एक लड़का के मृत्यु के बाद ही इलाका के लोगों ने बड़ाकर के बैगुनिया मोड़ में रोड ब्लॉक किया। आप सीधे तस्वीर में आप देख ही पा रहे हैं कि पूरा रास्ता को इन्होंने रोड ब्लॉक किया है और लड़का का उम्र 21 साल, महज 21 साल बताया जा रहा है। जहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के मार से ही उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना बोल पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब सीधे तस्वीर में आप देख ही पा रहे हैं कि बड़ाकर बैगुनिया मोड़ में यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस लड़के के मृत्यु के बाद पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया है। मैं आपको तस्वीर में आपको मैं दिखा दूँ बड़ाकर बैगुनिया में। अरमान के मृत्यु के बाद पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल चुका है। अब सीधे तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये बड़ाकर फाड़ी में गाड़ी दाएं दाएं करके लग रही है, आग के हवाले कर दिया है लोगों ने। और ये अब सिर्फ बड़ाकर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीका से, जिस तरीका से लड़के का मृत्यु होने के बाद इलाका के लोगों ने पूरा रण क्षेत्र बना दिया। बड़े बड़े ईंटे पत्थर से हमला किया गया, पुलिस गाड़ी में भी आग लगा दिया गया। ये एक मात्र एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ANN न्यूज पे ही आप लोग देख पा रहे हैं। ঘটনাটা হচ্ছে পুলিশের মাদক জন্য সে মারা গেছে এবং যেহেতু মারা গেছে এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা কখনো কোনো ঘটে যায় কিন্তু অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা, দুঃখের ঘটনা। সুতরাং ছেলেটা তো ফিরে আসবে না, যে মারা গেল ফিরে আসবে। আমরা দোষীদের শাস্তি শুধু নয়, একটা মেরে দেওয়ার যে শাস্তি হওয়া প্রয়োজন, একজন সাধারণ মানুষ যখন মেরে দেয় একজনকে তাহলে তার যে শাস্তি নয়। পুলিশে যেহেতু পুলিশের হাতে সে মারা গেছে, পুলিশের মারা মারা গেছে, মানুষ শাস্তি একটা হওয়ার দরকার আছে। কারণ সংবিধানে পুলিশের কোনো আলাদা এর দেওয়া নেই, ক্ষমতা দেওয়া নেই। সেই জন্যে हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ आज चाहिए, इंसाफ आज चाहिए हम लोग को। एफआईआर हो रहा, एफआईआर होने दीजिए। यहाँ तीन दिन चार दिन बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है? यहाँ माइक में बोलेगा इंसान, बोल के निकल जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा जैन उनके राज होगा, एकदम क्लियर बात है। बेस तो बनेगा ना, हालात को देखते हुए पूरे बड़ाकर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई।